दो दिन से हमारे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे एक ही मैसेज आ रहा है और ज़्यादातर लोगों ने यही मैसेज किया है कि सर आपने ये जो आपकी इमेज जो ब्लॉगर पे शो होती है तो इसे आपने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, या ये ब्लॉगर का ही है या आपने इसे डिज़ाइन किया है। तो आपको बता दें ये टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट यही सेम टेम्पलेट है जो टेम्पलेट इस पर लगा हुआ है, वही टेम्पलेट हमारी इस वेबसाइट पे लगा हुआ है और ये इमेज का जो स्टाइल है ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह की इमेज से होती है और मैंने उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो किस तरीके से आप अपनी इमेज को इस समय राउंडेड कर सकते हैं, शैडो इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको किस तरीके से आप स्टाइलिश बना सकते हैं, वही आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर आ क्लिक कर लीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दो दिन पहले मैंने ग्रिड स्टाइल का वीडियो बनाया था जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये वीडियो है, ये आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से आप अपने ब्लॉग में कैटागरी ग्रिड स्टाइल में ऐड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्लॉग को ओपन कर लें और कोई पोस्ट आप उसमें ओपन कर लें और उस पोस्ट पे जाकर के आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है इंस्पेक्ट। यदि आपके ब्लॉग में इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाना है और ये ऑटोमेटिकली इंस्पेक्ट मोड में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये आप जो देख रहे हैं एरो का निशान है इस पर आपको क्लिक करना है और इमेज के ऊपर आपको ले जा कर के क्लिक कर देना है तो ये इमेज का कोड आपको जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम रिड्यूस करते हैं। कैसे इसे रिड्यूस करना है वो आप इसमें देख लीजिए। यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं कितना रिड्यूस मुझे अच्छा लगेगा इमेज पे, उसी हिसाब से हम अपने ब्लॉग में उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इमेज के बाद ये 100% जो दिख रहा है उसकी वहीं पर आप क्लिक करेंगे एक बार और यहाँ पर आप लिखेंगे बॉर्डर रिड्यूस BORDER बॉर्डर डैश रिड्यूस RA और ये यहाँ पे दिख जाएगा आपको रिड्यूस। आप इंटर मारेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप 25 पिक्सल करते हैं PX। ये देख लीजिए आप 25 PX हो गया ये। अब इसे आप यदि बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप 35 करना चाहें 35 कर दीजिए, 45 करना चाहें 45 कर दीजिए, 55 करना चाहे 55 कर दीजिए, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं इसे 35, ठीक है, ये रिड्यूज हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पाथ दिख रहा है ये इसका, इस पूरे पाथ पे हम क्लिक करेंगे और इसे करेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद हम ब्लॉगर के थीम में जाएंगे और थीम में जा करके यहाँ पर हम करेंगे एडिट HTML, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, कहीं पर भी क्लिक करके आप, और इसमें कंट्रोल एफ से सर्च बॉक्स ओपन करेंगे, यहाँ पे उस कोड को हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए पेस्ट कर दिया, इंटर मारेंगे और ये कोड जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे ये आ जाएगा। मैक्सिमम विथ 100% दिख रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम विथ जो है 100% दिख रही है। अब आप इसको सिंपली पूरा कॉपी कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ 100% के बाद ये सिंबल लगाएंगे। अब आप इसे क्या बोलते हैं वो आप जाने, स्पेस देंगे एक और उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, इसे कर देंगे सेव। सेव करने के बाद थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, सेव हो जाइए। उसके बाद हम इसे करते हैं रीलोड, यहाँ से इसे रीलोड कर रहे हैं। रीलोड करने के बाद आप इसमें देखेंगे हमारी इमेज जो है वो रिड्यूज हो गई है। वहाँ पे हमने जो कोड ऐड किया था वो कोड यहाँ पे देखिए ये शो होने लगा। चलिए हम कोई और पोस्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे भी देखिए ये वाली इमेज भी जो है वो रिड्यूज होकर के आ रही है। अब इसमें हम बॉर्डर कैसे लगाएंगे उसके लिए हम फिर से यहाँ पे जाते हैं, एरो के बटन पे क्लिक करते हैं और इमेज पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एक वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो में दे दूँगा, इस वेबसाइट पर आप पहुँचेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी शैडो मिल जाएंगे। इन शैडो में से आप कोई भी एक शैडो अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। चलिए हम ये 20 नंबर लगा रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे हम पोस्ट पे और यहाँ पे उसी बॉर्डर के नीचे हम एक बार फिर क्लिक करेंगे और वहाँ पर इसे कोड को हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते ही ये देखिए इसकी लुकिंग इस तरह की आने लगी है। इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम इसलिए आपको बता रहे हैं
ताकि आप बारी बारी से यहाँ पे इसे चेक कर लें और आपको बार बार वहाँ पे सेव पेस्ट कॉपी पेस्ट डिलीट करने की दिक्कत ना हो। चलिए हम 15 नंबर को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम अंडो करते हैं इसे कंट्रोल जेड से और यहाँ पे फिर से क्लिक करके पेस्ट करते हैं। आप देखिए ये वाला शेडो यहाँ पे ऐड हो गया है। चलिए हम दूसरा लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ये वाला, हम लेते हैं 48 नंबर और यहाँ पे इसे अंडो करके हम कंट्रोल जेड से और फिर से यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए आपका ऐड हो गया। अब इसमें हम 20 नंबर ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम, क्योंकि हमें 20 नंबर ज़्यादा अच्छा लगा है, इस वजह से आपको ज़रूरी नहीं, यहाँ पे काफ़ी दिए हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं, 31 लगा सकते हैं। चलिए इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसे कंट्रोल जेड से अंडो करते हैं और इसे करते हैं पेस्ट। ये आप लगा सकते हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन 20 नंबर मुझे ज़्यादा बेटर लगा है मेरे लिए, तो इस वजह से हम इसे 20 नंबर ही यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड से इसे हटाते हैं और यहाँ पे हम वो पेस्ट करते हैं। ये अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है, आपको जाना है, आपको यही पाथ पूरा कॉपी करना है इमेज का। कॉपी करने के बाद आप फिर से जाएंगे थीम में, एडिट एचटीएमएल, यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके कंट्रोल एप सर्च करेंगे और यहाँ पे उसे पेस्ट करके इंटर मारेंगे। आप उसी पाथ पे पहुँच गए जहाँ पे आपको इसे लगाना है। उसके बाद आप इस कोड को यहाँ से करेंगे 20 नंबर। उससे पहले हम यहाँ पे एक बार इसे रीलोड कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे देखने में भी। तो ये देखिए अभी सिंपल है, केवल रिड्यूज है। अब यहाँ पे हम इस कोड को एक स्पेस देते हैं यहाँ पे और कोड को करते हैं यहाँ पे हम पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसे करते हैं सेव। ये सेव हो गया। हम यहाँ से इसे करते हैं रीलोड। रीलोड करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा शेडो ऐड हो गया है। ठीक है, अब आपकी फुल विंडो में देखते हैं इसे हम। आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा है। आप इसमें कोई भी शेडो यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो शेडो यहाँ पे आप इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर आर क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।